जय हिंद दर्शकों, मैं विशाल कुमार। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको ये वर्ड आती होगी। सबसे पहले कोई भी आप लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर पढ़ते होंगे तो उस कैरेक्टर में कहीं कहीं पर देखने को मिलता होगा व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर, या कहा जाता होगा दैट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर। तो डिफाइनिंग फीचर आखिर क्या है? तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब कि परिभाषित, अगर हम लोग कह सकते हैं इसका परिभाषित विशेषता, यानी कि अच्छे तरीके से सुदृढ़ उसकी विशेषता है। अब क्या है डिफाइनिंग फीचर, उसको समझने के लिए डिफाइनिंग फीचर का दो खासियत जरूर होना चाहिए। कोई भी आपको लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया को शो करने के लिए उसमें ये दो गुण जरूर होना चाहिए, दो प्रॉपर्टी उसमें जरूर होनी चाहिए। तो दो गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण ये है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी एग्जाम्पल आपको एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अनएक्सेप्शन होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अनएक्सेप्शनल होना चाहिए। ओके, तो उसमें जब इस तरीके से कोई लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया शो करेगा तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। साथ ही साथ दूसरा जो है, दूसरे पॉइंट को ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को शो नहीं करना चाहिए, है ना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का कोई भी खासियत को दर्शाना नहीं चाहिए, उसमें अपना होना चाहिए, वो लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टी को प्रेफर करना चाहिए, है ना। लिविंग थिंग्स को शो करना चाहिए, लिविंग थिंग्स के जैसा हो, ताकि हम लोग समझ बूझ सके, है ना, अच्छी तरीके से। तो ये डिफाइनिंग फीचर का था। डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन आते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल डिफाइनिंग फीचर को प्रेफर करते हैं, उसका भी मैंने एग्जाम्पल लिखा। कुछ कुछ डिफाइनिंग फीचर को आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, तो हमने लिखा है पहला, अब फर्स्ट में लिखा एग्जाम्पल ऑफ डिफाइनिंग फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद हमने बताया है एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिफाइनिंग फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिफाइनिंग फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर आपको क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है। पहला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप लोग जानते होंगे, ऑल सम टोटल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड ऑर्गेनिज्म और बॉडी कह सकते हो, और एन इंडिविजुअल कह सकते हो, तो डेट इज क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के फॉर्म में। आपको जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे सिंपल आपको सब्सटेंस मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स आपको टूट करके आपको डेट इज सिंपल बनाते हैं, जिसमें आपको एंजाइम एनर्जी का पुट होना या यूज होना या तो कंज्यूम होना बना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जितने भी ग्रोथ रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट जो भी है हमारे शरीर में, है ना, जो भी है डेट एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म के कारण ही होती है। एक बार में 1000 से ज्यादा मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होती है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म को पूर्ण अच्छे तरीके से। तो मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिज्म कभी भी प्रेफर नहीं करेगा आपको नॉन लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया को। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को आप कहोगे कि दैट इज क्या है, दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। दूसरा है आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोशिकीय संगठन, है ना, या तो सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना। जैसे कि कोई भी लिविंग थिंग्स में आप जानते हो, कोई भी लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव जो है आपको सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, और उस कोशिका में क्या है, उस सेल में क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। यानी कि हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म में, अगर मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, अगर बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो वो समझ जाएंगे कि इस तरीके से वो आपको डेट इज लिविंग थिंग्स नहीं हो सकता, यानी कि नॉन लिविंग। जैसे वायरस में उसका अपना पार्टिकुलर साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसीलिए आपको, है ना, तो इसीलिए उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रखा जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये भी हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे, कि बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल्स ग्रेड में है, सेल से आगे बढ़ते हैं ग्रेड, तो सेल से मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से आगे मिलकर के बन करके आर्गन ग्रेड, आर्गन से सिस्टम और ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म, किसी ना किसी यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को शो करेगा, यानी कि रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आता है ना। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो कॉन्शियसनेस क्या है, इसमें एबिलिटी होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होता है कि वो सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को सेंस कर पाए, उसके बाद उसी सेंस के कारण उसके प्रति
जो सराउंडिंग है एनवायरमेंट में कोई भी उसका इफेक्टिव फॉर्म है उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सके, यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सराउंडिंग और एनवायरमेंट के फॉर्म को आपको सेंस करने के बाद वो जज कर सके, ठीक है। तो डेट इज उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, हिंदी में सचेतता कहते हैं। कॉन्शियसनेस एक्सेस होता है, इरिटेबिलिटी है ना, हम लोग पढ़ते हैं आगे, हम लोग पार्टिकुलर कोई भी हम लोग टॉपिक में हम लोग जब कॉन्शियसनेस सिर्फ बताएंगे तो हम लोग बातें करेंगे, है ना। अब जैसे तो आपको क्वेश्चन आता है नीट में, है ना, मेडिकल में आता है क्वेश्चन की लिखा रहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया हु डज नॉट फॉलो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको रहेगा मेटाबॉलिज्म रहेगा, कॉन्शियसनेस रहेगा, सेल स्ट्रक्चर रहेगा, ग्रोथ रहेगा, है ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन रहेगा। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आंसर। इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो हमने अभी एग्जांपल बताया नॉन लिविंग फीचर, हम पहले बताए थे आपको ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है आपको नॉन डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि ग्रोथ अगर समझेंगे, ग्रोथ क्या है, आपने आप जानते हो कि जब नंबर ऑफ मास या तो सेल का नंबर जब इंक्रीज हो पहले से कंपैरेटिव फॉर्म में तो उसे ग्रोथ माना जाता है ना। ग्रोथ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सब ये आपने जाना होगा, है ना। डेट इज इस तरीके से ग्रोथ पर काफी ज्यादा चर्चा आपने पढ़ा होगा, है ना। ग्रोथ इंट्रिंसिक भी होता है, ग्रोथ एक्सट्रिंसिक भी होता है, बहुत सारा आलान फलान चिलान जो भी पढ़े होंगे। तो ग्रोथ में जनरली अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन निकल करके चला आता है, इसीलिए नॉन डिफाइनिंग में आता है। और ग्रोथ एक्सेस करता है रिप्रोडक्शन को, आप लोग पढ़े ही होंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, है ना, हु प्रोड्यूस इटसेल्फ लाइक स्पीसीज इन फॉर इटसेल्फ लाइक स्पीसीज इटसेल्फ लाइक अपने जैसे ही स्पीसीज को प्रोड्यूस करेगा। किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ प्रोजीनी। प्रोजीनी मतलब क्या हुआ, संतान हुआ, है ना। प्रोजीनी कहो, ऑफस्प्रिंग कहो, न्यूबॉर्न बेबी कहो, यंग वंस को, इस फॉर्म में। रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल पढ़ते होंगे, तो कुछ कुछ ऐसे पढ़ते होंगे कि पार्टिकुलर फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है तो बडिंग में भी आता होगा, है ना। तो कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ हम लोग पढ़ते होंगे तो उसका अनएक्सेप्शन भी आ जाता है। तो डेटली एक्सेप्शन आना कोई भी क्राइटेरिया ऑफ लिविंग थिंग्स का, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी लक्षण आपको सजीव का, सजीव वस्तुओं का, ये आपको दर्शाता है कि वो एक्सेप्शन आना यानी कि नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स है। इस तरीके से दर्शकों, इस तरीके से आज हमने बताया डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। हम लोग आगे मिलेंगे, अगले भाग में मिलते हैं नए वीडियोज के साथ। जय हिंद, जय भारत।